हेलो एवरीवन, आई एम सम्यूल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि नेट एग्ज़ाम के लिए, गेट एग्ज़ाम के लिए या और भी जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो है ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है। इसको आपने 12th लेवल में भी पढ़ा है, ठीक है, और 12th लेवल का एग्ज़ाम में भी जैसे कि नीट वगैरह में ये चीज़ पूछी भी जाती है, ठीक है। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आज शायद बारिश होने की चांसेस है, ठीक है, इस तरीके की बात है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कभी अगर मैच हो, क्रिकेट मैच मतलब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मान लीजिए, तो हम लोग ये कहते रहते हैं कि आज जो है इंडिया का टॉस जीतने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है या 50-50 है या इस तरीके की बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ों जो है प्रिडिक्शन, ठीक है, यही इसकी को हम लोग जो अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, यही एक्चुअल में जो है प्रोबेबिलिटी का आप लोग यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई से यहाँ पे डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट्स हैपेंड, एक तो ये हो गया, और नीचे क्या है द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके। तो ऊपर में क्या आएगा, आप कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपके फेवरेबल कुछ आउटकम्स है, जो कुछ आप चाह रहे हो कि ये चीज आए, ठीक है, तो वो ऊपर में आएगा। वो कितने बार आ रहा है, वो ऊपर में आएगा, ठीक है, वो नंबर ऊपर में आएगा। और टोटल कितने बार आप उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, टोटल कितना आउटकम्स आपको मिल रहा है, वो चीज़ आपका नीचे आएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। एक और बात समझ लीजिए, मैं आपको ये भी कहता हूँ कि इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरीके से लिखो, कोई बात नहीं, कि आप जो यहाँ पे लिखिए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन एक्सपेरिमेंट, नीचे लिखिए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट, ऊपर लिखिए द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, ओके। तो जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं, जितने सारे इवेंट्स पे वो ऊपर लिखी जाएगी, और जो टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, कि सैंपल स्पेस कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इन एन इवेंट, वो होता है सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, देखिए कि टॉसिंग ऑफ ए अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है, टॉसिंग ऑफ ए अनबायस्ड कॉइन, यानी आप यहाँ पे अगर देखें कि टॉसिंग ऑफ अनबायस्ड कॉइन, टॉस कर रहे, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, इसका दो साइड होता है अगर अनबायस्ड कॉइन है, एक साइड में हेड होता है, दूसरे साइड में क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। तो हेड हो सकता है या टेल हो, एक बार टॉस किया उसमें क्या आ सकता है, एक बार हो सकता है कि हेड आए, नहीं तो टेल आएगा, इन दोनों में से ही आएगा, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। अब परसेंट में नहीं कहेंगे तो इसको हम लोग 1/2 कहेंगे, इसको भी 1/2 कहेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। 100% होगी प्रोबेबिलिटी, 200% प्रोबेबिलिटी कभी नहीं दिखने को मिलेगी आपको, 1 से नीचे होगी प्रोबेबिलिटी, या होगी 1 या नहीं तो 1 से नीचे, ठीक है, समझ में आया बात, पहली बात। अच्छा, तो यहाँ पे आपको अगर बोला जाए कि एक कॉइन को आप लिए, आपको एक ही कॉइन दिया हुआ है, आप उसको दो दफ़ा टॉस करेंगे, ठीक है, तो दो दफ़ा टॉस करेंगे तो आपका पास, एक दफ़ा टॉस करेंगे तो आपका क्या सैंपल स्पेस था, हेड और टेल, ठीक है। तो इसमें आपको दो सैंपल स्पेस मिला, ठीक है। जब दो दफ़ा टॉस करेंगे इसको तो आपको कितना मिलेगा, 2^2 मिलेगा। जब तीन दफा करेंगे तो 2^3 सैंपल स्पेस आपको मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर चार दफा, ठीक है, कॉइन को टॉस करते हो तो आपको 2^4 मिलता है, और एन दफा आप अगर आप करते हो टॉस उसको, एन एट टाइम्स टॉस करते हो उसको, तो 2^n जो होता है आपका सैंपल स्पेस होता है, समझ में आया आपको। यहां पे एक चीज मैं बताते चलूं,
कि आपका हो सकता है टॉस के बारे में, जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो टॉस के बारे में यह भी कह दूँ कि आप हो सकता है एक अनबायस्ड कॉइन है आपके पास, उसी को चार बार टॉस कर लिया, ठीक है, या आपके पास चार अनबायस्ड कॉइन है, हर एक को एक एक बार करके टॉस किया, सेम बात है, ठीक है, समझ में आया आपको। ये एक कॉइन को आप चार बार करें तब भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, चार कॉइन को एक एक बार करके करें तब भी सेम प्रोबेबिलिटी, एक ही चीज है, ठीक है, समझ में आया आपको बात। अच्छा, अभी रोलिंग ऑफ ए ऑफ एन अनबायस्ड डायस के बारे में बात करें, रोलिंग ऑफ टॉसिंग यहां पर भी एन होगा, ठीक है, तो रोलिंग ऑफ एन अनबायस्ड डायस, ओके, तो यहां पे एक अनबायस्ड डायस अगर है, ठीक है, जिसको हम लोग डायस, आप लोगों को पता ही होगा, जबकि आप अगर लूडो खेलते हैं तो वहां पे ये डायस यूज होता है। क्या है डायस? डायस के छह प्लेन होता है, उसमें हर एक प्लेन में जो डॉटेड दिया हुआ होता है, वन से शुरू होता है सिक्स तक का, ठीक है, वन से शुरू होता है, सिक्स प्लेन होता है टोटल। तो पहला प्लेन में मान लीजिए एक सिंगल डॉट है, दूसरा में दो डॉट होगा, तीसरा में तीन डॉट होगा, चौथे में चार डॉट होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है ना, फिर ये ऐसा डॉट मिलता है आपको, फिर आपको इस तरीके से डॉट मिलता है, ठीक है ना, लूडो खेला है तो लूडो में आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये इतना डॉटेड आपको इस तरीके से डाइस मिलता है। अच्छा, आपको अगर बोला जाए कि लूडो में एक दफा आपने रोल किया लूडो का डिस्क का, वो जो डाइस है लूडो का, उसको एक दफा रोल किया आपने, तो आपको जो मतलब सैंपल स्पेस कितना मिलेगा, सैंपल स्पेस आपको तब मिलेगा लूडो के जब रोल करेंगे तब मिलेगा, क्या क्या हो सकता है सैंपल स्पेस, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, या सिक्स हो सकता है, इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा। एक दफा आपने रोल किया, आपका इस छह में से कुछ न कुछ आएगा, एक दो तीन चार कोई नंबर आएगा, जीरो तो नहीं आ सकता, सात तो नहीं आ सकता, क्योंकि है ही नहीं उस स्पेस पे, ठीक है। तो आपको सैंपल स्पेस में पता चल गया कि यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना है, टोटल सैंपल स्पेस है यहाँ पे आपका छह, ठीक है। आप यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है, आपको अगर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, अब क्या निकालेंगे, टोटल एक दफा आपने रोल को रोल किया है डाइस को, ठीक है, तो एक दफा रोल किया है तो टोटल सैंपल स्पेस नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा सिक्स, और आपको बोला गया है कि चलिए चार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो चार आने की प्रोबेबिलिटी इसमें से कितनी है, एक ही है, एक ही दफा आ सकता है चार, ठीक है, तो एक वन बाई सिक्स जो है प्रोबेबिलिटी है चार आने की। पांच आने की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे जो है पांच आने की प्रोबेबिलिटी है आपका एक ही दफा है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि आपने रोल किया है एक डाइस को, उसमें ऊपर में जो है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सैंपल स्पेस कितना है, नीचे नीचे तो छह ही रहेगा, एक ही दफा आपने उसको रोल किया है, ठीक है। अच्छा, ऊपर में आपको बोला गया है कि रोल जब कर रहे हो तो आपको ऊपर में जो है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप सैंपल स्पेस में देख पा रहे हो कि सैंपल स्पेस में क्या क्या है, वन एक ऑड नंबर है, तीन एक ऑड नंबर है, और पांच एक ऑड नंबर है, यानी और कोई ऑड नंबर नहीं है, दो चार छह ये तो इवन नंबर है, तो ऑड नंबर कितने हैं, तीन है, तो तीन दफा आ सकता है, चांसेस है कि तीन दफा आ सकता है, तो थ्री बाई सिक्स यानी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, और इवन नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम लोग एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अभी जो है मैं थोड़ा बात करूंगा क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चंस आप लोग यहां पे देखेंगे क्या है, देखिए, एन अनबायस डाइस इज थ्रोन थ्री टाइम्स सक्सेसिवली। अच्छा, यहां पे एक चीज और बता देता हूं मैं कि रोल किया आपने डाइस, एक दफा किया तो आपका सैंपल स्पेस कितना बना, यहां पे आपने एक दफा अगर किया तो आपका सैंपल स्पेस बना छह, ठीक है, फिर आप nth दफा करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस कितना बनेगा, सिक्स टू द पावर n, जैसे कि यहाँ पे सैंपल स्पेस nth दफा करेंगे तो आपका टू टू द पावर n बन रहा है, यहाँ पे सिक्स टू द पावर n बनेगा, ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, चलिए क्वेश्चन करते हैं, एन अनबायस्ड डायस इज थ्रोन थ्री टाइम्स सक्सेसिवली, यानी एक अनबायस्ड डायस है उसको तीन टाइम हम लोग जो है थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन अपर मोस्ट सरफेस एड अप टू 16, यानी अपर मोस्ट सरफेस का जो नंबर टोटल तीन टाइम्स करने के बाद सम करेंगे तो हमें 16 मिलेगा,
ठीक है, तो 16 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो 16 कब आएगी, देखिए यहां पे देखिए, जैसे कि आपको बोला गया है कि 16 आनी है, तो 16 कब कब आ सकती है, देखिए हो सकता है 16 आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, एक दफा 6 आया, 6 6 4, ये हो सकता है, और एक हो सकता है कि 5 5 6, यही दो हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये अगर आए तो ये तो मतलब इस तरीके से भी आ सकता है, एक दफा के 6 4 6 इस तरीके से भी आ सकता है, या इस तरीके से भी आ सकता है कि 4 6 6, इसके अलावा और तो कोई कम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है, इस और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेम तरीके से, आप अगर देखेंगे यहाँ पे 5 6 5 पॉसिबल आउटकम्स ये बनेगा, और एक बनेगा पॉसिबल आउटकम जो है 6 5 5, ठीक है, यानी आपको ये इसी वजह से लिखा क्योंकि आपको जो है लूडो का डायस जो है उसको आपको थ्रो करना है, पहली बार में आपका 6 आया, दूसरी बार में आपका 6 आया, चौथी तीसरी बार में आपका 4 आया, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है पहली बार 6 आए, दूसरी बार 4 आए, तीसरी बार जो है 6 आए, और ये भी हो सकता है कि पहली बार 4 आए, दूसरी बार 6 आए, और तीसरी बार भी 6 आए, ये भी हो सकता है। तो आप ये ऐसे अगर सोचोगे तो आपको पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना मिल रहा है, देखिए फेवरेबल आउटकम्स जो है वो है 6 मिल रहा है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 6 मिल रहा है, और सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दफा आप एक लूडो के डाइस को जो है अनबायस डाइस को जो है थ्रो कर रहे हैं, यानी 3 दफा कर रहे हैं, तो आपको क्या सिखाया मैंने, सैंपल स्पेस क्या बनेगा 6 to the power, यहाँ पे क्या बनेगा 3, ठीक है ना, तो 6 और 6 to the power 3 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए क्या आएगा 1/36, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, तो 1/36, ये आंसर जो है सही है, ये नेट में पूछा गया था सवाल, ठीक है, तो बिल्कुल यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं नेट में गेट में, तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, एन अनबायस्ड डाई इज कास्ट ट्वाइस, एक डाई को हमने 2 बार जो है थ्रो किया, द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉजिटिव डिफरेंट बिगर माइनस स्मॉलर बिटवीन 2 numbers इज 2, ठीक है, बिगर माइनस स्मॉलर बिटवीन, ये आपको बोला गया है कि 2 दफा आप करेंगे एक डाइस को आप टॉस करेंगे, ठीक है, तो उसमें बिगर नंबर, मान लीजिए आपका बिगर नंबर कितना है, मान लीजिए एक दफा दो कितना डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 6, बिगर माइनस स्मॉलर डिफरेंस कितना होना चाहिए, सॉरी 6 बोला मैंने, 2 होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती है, देखिए आपका एक दफा मतलब थ्रो किया आपने, आपको 6 मिला, और आपको 2 difference आने के लिए आपको दूसरी दफा क्या चाहिए 4, अगर आपने थ्रो किया 5 आया तो दूसरी दफा आनी चाहिए 3, अगर आपको 4 दिया तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, अगर 3 दिया तो यहाँ पे आपको आना चाहिए कितना 1, यानी इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा, 2 मिलेगा, इनका डिफरेंस अगर निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है ना, 6 - 4 दैट इज 2, 5 - 3 दैट इज 2, 4 - 2 दैट इज 2, 2 - 0 तो नहीं है क्योंकि सैंपल स्पेस में 0 नहीं है, ठीक है, इसी वजह से हम लोग 2 - 0 को नहीं लेंगे, नहीं ले सकते, लेंगे की बात नहीं है, ले ही नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे ये सारे जो कम्बिनेशन बने, तो ये तो मैंने बताया ये हो सकता है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 4 हम लोगों ने जो थ्रो किया, पहली बार 4 आए, दूसरी बार 6 आए, पहली बार 3 आए, दूसरी बार 5 आए, ठीक है, पहली बार 2 आए, दूसरी बार 4 आए, पहली बार 1 आए, दूसरी बार 3 आए, ये भी तो हो सकता है ना, तो टोटल कम्बिनेशन कितना बना है, और कुछ बनेगा क्या, सोचिए, और तो कुछ बनने की मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कितनी बार जो है टॉस किया, 2 बार टॉस किया है, तो इसका कम्बिनेशन कितना बनेगा, इसका कम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे एक डायस है, एक डायस है जो है आप मतलब यहाँ पे टोटल आपको कितना आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना है, फेवरेबल आउटकम्स है आपका 8 आउटकम्स मिला है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 आउटकम्स जो है फेवरेबल आउटकम्स है, तो ऊपर प्रोबेबिलिटी, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, वो चीज़ डालेंगे, फिर नीचे डालेंगे सैंपल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर कितना आएगा 8,
और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 to the power 2 सैंपल स्पेस, यानी क्या आएगा यहाँ पे आएगा 8/36 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 9, तो आपका कितना आएगा यहाँ पे अल्टीमेटली 2/9 जो है आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आया देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ए कॉइन एंड ए डाई थ्रोन इंडिपेंडेंटली द प्रोबेबिलिटी दैट ए हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ठीक है, आपको बोला गया है कि एक कॉइन को आप टॉस करेंगे और एक डाई को आप थ्रो करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे ये काम। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड इवन इंटीजर ऑन द डाई एज्यूमिंग बोथ आर अनबायस्ड। आपको दिया हुआ है कि एक कॉइन को आपको टॉस करना है और एक डाई को आपको थ्रो करना है, तो आप क्या करेंगे इस पे कि एक मतलब पहले तो आप कॉइन को टॉस करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको तो अभी बताया सैंपल स्पेस में क्या क्या है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, टोटल स्पेस है, सैंपल स्पेस है, एक ही बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल स्पेस कितना है, टोटल सैंपल स्पेस है 2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड एक ही बार है तो 1 है। ठीक है, तो 1/2 हो गया आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, और आपने जो है डाई को थ्रो किया है तो आपका डाई के ऊपर में जो है ऊपर वाले सरफेस में जो है इवन इंटीजर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए फिर बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यही तो हो सकता है, इसमें इवन नंबर कौन कौन है, 2, 4 और 6 ये इवन नंबर है। ठीक है, अगर ये इवन नंबर है, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, एक ही बार अगर थ्रो कर रहे हैं आप तो एक सैंपल स्पेस है टोटल 6, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 लिख दिया आपने, तो आपको कितना मिला, हाफ मिला। ठीक है, यहाँ सर भी हाफ मिल रहा है और यहाँ पर भी हाफ मिल रहा है। ठीक है, अभी आपको बोला गया है कि इन दोनों का बहुत आपको क्वेश्चन अब पड़ी है, क्या है, ए कॉइन एंड ए डाई आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली द प्रोबेबिलिटी दैट ए हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड इवन इंटीजर ऑन ए डाई इज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक टर्म आपको बोलेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड। ठीक है, एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब क्या होता है, आप अगर लॉजिक गेट पढ़े हैं तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो एंड का मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन होता है, ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई किसके लिए है, डाई के लिए है, पी ऑफ ई ये किसके लिए है, ये कॉइन के लिए है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, आपको तो बोला गया है एक ही साथ आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, एक ही प्रोबेबिलिटी, दो दो तो नहीं है ऑप्शन की कि हाफ और हाफ इस तरीके से कॉमा देके, तो ऑप्शन नहीं, एक ही बार में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, हाफ इंटू हाफ एंड है, इस वजह से हाफ इंटू हाफ हो गया। ठीक है, तो हाफ इंटू हाफ हो गया, तो कितना मिला आपको, 1/4। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यही जो है मतलब सवाल का आंसर निकल गया, 1/4। तो यहाँ पे इस वीडियो में यही तक, यहीं पे हम लोगों ने जो है सीख लिया कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। अच्छी तरीके से आपको अगर समझना है तो एक दफ़ा में अगर आपको समझ में नहीं है तो बार बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर आने वाले वीडियो में मुलाकात होगी, दूसरी एक वीडियो में। आप बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक में, अगर मुझे मतलब आता है तो मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और बाकी जो है आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट किया कीजिए कि कैसा लग रहा है, और बाकी जो है आपका कहीं पे डाउट है तो वहीं पे वो भी बता सकते हो आप। तो चलिए फिर मुलाकात होगी दूसरी एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।